इस समय उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का केस बहुत तेजी से चल रहा है। धर्मांतरण का केस बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। अब एक ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के नौबस्ता का है, जहां एक दंपत्ति ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों पर आरोप लगा रही है कि उन लोगों ने मेरे पति नौशाद को फंसाने की कोशिश की है। पत्नी सपना राजपूत के नाम से बीजेपी के नेताओं ने उसके पति नौशाद के खिलाफ थाने में जाकर FIR दर्ज करवा दी कि नौशाद ने अपना नाम छुपाकर सपना राजपूत से शादी की है। लेकिन सपना ने बाद में एक वीडियो के माध्यम से बताया कि FIR मैंने नहीं लिखवाई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा कि नौशाद मोहम्मदन है, तुमने उससे शादी कैसे कर ली। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सपना राजपूत से कहा कि जल्द ही अपने पति नौशाद को यहाँ से भगा दो, नहीं तो उसके साथ गलत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसके बाद थाने में जाकर तहरीर दी कि सपना राजपूत को अपना नाम बताए बगैर कि मैं मुस्लिम हूँ, सपना राजपूत से नौशाद ने शादी रचा ली और अब चुपके से उसके बच्चे का खतना भी करवा दिया। लेकिन जब सपना से इस तहरीर के बारे में पूछा गया तो सपना ने साफ इनकार कर दिया और बताया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरे पास कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, उन्होंने ही कहा कि तुम थाने जाकर अपने पति नौशाद के खिलाफ FIR दर्ज करवा दो। फिर जब सपना राजपूत ने अपने पति नौशाद के खिलाफ FIR लिखवाने से इनकार कर दिया तो वही लोग थाने जाकर झूठी खबर लिखवा दिए कि नौशाद ने सपना राजपूत को ये बताए बगैर कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं एक मोहम्मदन हूँ, अपना नाम छिपा कर उससे शादी कर ली। शादी से पहले उससे बताया कि मैं एक हिंदू हूँ, उसके बाद सपना राजपूत से शादी कर ली और अब चुपके से उसके बच्चे का खतना भी करवा दिया। सपना का कहना है कि उन्होंने ना तो कोई FIR दर्ज करवाई है और ना ही वो थाने गई हैं। वो जिन बीजेपी नेताओं का नाम लेती हैं उन्होंने पूरे मामले में हेरफेर की है। नौशाद की पत्नी सपना राजपूत ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नौशाद ने मेरे बच्चे का खतना करवा दिया, तो आप मेरे बच्चे को देख सकते हैं कि उसका खतना अभी नहीं हुआ है। तो आप सोचिए किस तरीके की झूठ फैलाई जा रही है, झूठ के FIR थाने में लिखवाई जा रही है, सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।